शुरुआत कर रहे हैं कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीधा रुख करें बड़ी खबर की ओर। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। गोलाजी का वे देर रात कबड्डी खिलाड़ी पर हुआ अटैक। घायल खिलाड़ी को सरकारी अस्पताल से कैथल रेफर किया गया। दुष्यंत चौटाला के समर्थकों पर हमला करने का आरोप है। दुष्यंत चौटाला के समर्थकों पर लाठियों से हमला करने का आरोप लगा है। गोलाचीका में दुष्यंत चौटाला का काफी विरोध भी हुआ था। हरिगढ़ गांव में कबड्डी खिलाड़ी ने दुष्यंत चौटाला का विरोध किया था। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोलाचीका में देर रात कबड्डी खिलाड़ी पर अटैक हुआ है। देखिए, कुछ दिन पहले गोलाचीका में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया गया, और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला के समर्थक जो हैं हमला करने का आरोप लगा है समर्थकों पर। तो दुष्यंत चौटाला का गोलाचीका में जमकर विरोध किया गया था। हरिगढ़ गांव में कबड्डी खिलाड़ी ने दुष्यंत चौटाला का विरोध किया था। तो देखिए, विरोध करने पर खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। अब तो हरिगढ़ गांव में कबड्डी खिलाड़ी ने दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया। कुछ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देर रात हमला हुआ इस खिलाड़ी पर, और इससे पहले की तस्वीर देखिए, दुष्यंत चौटाला से किस तरह से बहस करता हुआ ये खिलाड़ी नजर आ रहा है आपको। और अब आरोप जो है वो दुष्यंत चौटाला के समर्थकों पर लगा है। उस पीछा मन भाई साहब पांच छह दिन मारे, चलो गोली पहुंचती आया भाई साहब का, फिर गए भाई साहब लोग, तो भाई साहब की लैंग्वेज थी मन ज्ञान की आए भाई बेइज्जती कर की नुबत्ता में लोग कबड्डी छोड़ दो मन 20 साल कबड्डी खेल रहे हैं। एक दिन 20 साल कबड्डी खेल रहे हैं मां भी नेशनल कबड्डी छोड़ खेल रहा। कोई भी प्लेयर जब 20 साल कबड्डी खेलगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा, एक बंदा खड़े करके कर देगा भाई, कोई नहीं कर देगा। आके सुन भाई साहब, कबड्डी ने मरना अपना है, ठीक है, नहीं मरी है करी सकते कुछ नहीं करी, कुछ भी नहीं करी ना रैम करी वो कमा कौन तय करे इस काम में तय करे इस टाइम में सरयाम बुट्टा भाई एक साइड हो ये भाई साहब राजनीति कर रहे हो, तेरा राजनीति में नाम आया था हीरो तो राजनीति में बने इनका भाई साहब दावेदार को सीएम का था। देख जो मेरी दिल की बात है, हमारी जो युवा साथी सारे की बात है, आदा भी रहा सीएम का की गलती होगी, चलो बीजेपी का जो भी हो या किसान वाला जो भी अपन कोई बैठ नहीं, पर जे मैं तो न्यू बॉम्ब भाई साहब तो राजनीति का नहीं रहा भी तो इतिहास का तेरी तो मर्जी बात आ गया मेरा या तो मैं और काम कर ले तो करते रहे। चलो गांव के कुछ परिवार थे जो उसका प्रोग्राम करना चाह रहे थे, हमने अनाउंसमेंट भी करी, मंदिर में भी इकट्ठे हुए सभी जितने भी युवा साथी थे, अनाउंसमेंट भी करी हमने भाई ये प्रोग्राम भी धर्मशाला में ना करो, भाई गांव विरोध कर रहे। तो जो कबड्डी के लिए मैंने बोला भाई हमारी कबड्डी के बारे में उसने माड़ा की कह हुआ है, चंडीगढ़ गए थे हम लखन माजरा छोटी कबड्डी के मैच होते उस टाइम भी उसने बहुत गलत बोला है। पड़ा कि अभी तो दो दिन एक दिन हो गया था मेरे ख्याल से इस बात को, और फिर कुछ जो वर्कर थे जो उसका प्रोग्राम कर रहे थे उन्होंने फोन भी किए, धमकियां भी दी, हम देख लेंगे हम ये कर लेंगे। ये घटना भाई रात की है 10 बजे की, कहाँ की है? हरिगढ़ किरण गांव की है भाई मेरे की। हाँ, तो लोग थे वो भाई साहब तीन लोगों को मैं पहचानता हूँ, चार पांच लोग मेरे ख्याल से बाहर के थे, उनको व्यक्ति थे मैं उनको कोई नहीं जानता भाई साहब। तीन लोग भाई, एक तो भरत हरिगढ़ किरण, एक बीरा, एक गुरमुख, तीन लोग थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोलाचीका से हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं। हर्ष, ये कुछ दिन पहले जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का गोलाचीका में विरोध हुआ और उसके बाद अब इस खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल साधना, बात करें तो गोलाचीका में जब दुष्यंत चौटाला आए थे कल ही पर उनका विरोध किया गया था, तो ये कबड्डी खिलाड़ी ने जमकर दुष्यंत चौटाला का विरोध किया था और उनसे सवाल पूछे थे। अब इसी को लेकर उनके समर्थकों ने देर रात कबड्डी खिलाड़ी पर हमला कर दिया गया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। जब उन्हें गोलाचीका के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कैथल रेफर कर दिया गया। अब जो कबड्डी खिलाड़ी है वो बता रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक थे उनके द्वारा
उन पर लाठियों मंडासियों से हमला किया गया है। हालांकि उन्हें धमकियां भी दी गई थी कि आपके द्वारा दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों किया गया, लेकिन उनका साफ कहना था कि जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे तो वे अपनी मांगों को लेकर दुष्यंत चौटाला के पास गए थे। उनकी सभी मांगों को दुष्यंत चौटाला ने दरकिनार करते हुए यहां तक कहा था कि ये कबड्डी छोड़ दे। अब उन्होंने दुष्यंत चौटाला जब गांव में आए थे, दुष्यंत चौटाला को कहा था कि जब 20 साल से हमारा कैरियर कबड्डी में बन रहा है तो हम कबड्डी कैसे छोड़ दें, अब आपका कैरियर राजनीति में बन रहा है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। तो इस बात को लेकर काफी तूतू मैम और बहसबाजी हुई थी, जिसको लेकर अब दुष्यंत समर्थक है जो भटक गए और उन लोगों पर हमला कर दिया। जी साधना, बिल्कुल हर्ष, देखिए हालांकि आप जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि इस युवक पर और इस खिलाड़ी पर हमला हुआ है, लेकिन इस बीच जो बयान सामने आया है इस खिलाड़ी की तरफ से कि तीन ऐसे युवक जो तीन ऐसे समर्थक हैं उनका जो चेहरा है वो उसे याद भी है, अब ऐसे में आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए साधना, जो समर्थक थे वो बाय नेम बताए जा रहे हैं, हालांकि जिन समर्थकों का नाम लिया वे दुष्यंत चौटाला के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी पुलिस है जांच कर रही है, पुलिस बयान लिखेगी, उसके बाद FIR दर्ज होगी और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन समर्थकों को यहाँ चाहिए कि इस समय चुनाव है, चुनाव में हर व्यक्ति अपना विरोध भी जिता सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र में इस तरह की लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं है। जी साधना, चलिए आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। देखिए कुछ दिन पहले गुलाचिका में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध हुआ और उसके बाद अब जिस तरह से ये जो खिलाड़ी है इस पर देर रात हमला किया गया, हालांकि एक बयान भी सामने आया है, अब जो जानलेवा हमला हुआ है, हालांकि अभी जो खिलाड़ी है इसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि तीन ऐसे समर्थक हैं, तीन ऐसे युवक हैं जिन्हें वह जानता भी है और वो कट्टर समर्थक भी हैं दुष्यंत चौटाला के। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रशासन जो है वो क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, देर रात इस खिलाड़ी पर हमला हुआ और इससे पहले जब दुष्यंत चौटाला गुलाचिका में गई और उनका जमकर विरोध हुआ और ये जो खिलाड़ी है वो दुष्यंत चौटाला से जमकर बहस करता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। 20 साल कबड्डी खेलिए, नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकता, कोई भी प्लेयर जब 20 साल कबड्डी खेलेगा भी आगे अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा। देखिए घायल खिलाड़ी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती जरूर करवाया गया है और सरकारी अस्पताल से कैथल भी रेफर किया गया है। लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं देर रात जिस तरह से इस खिलाड़ी पर हमला किया गया और इससे पहले की अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला जैसे ही गुलाचिका में गए तो उनका जमकर विरोध किया गया, जमकर प्रदर्शन भी किया गया और ये जो खिलाड़ी है जिस पर हमला हुआ है वो दुष्यंत चौटाला से बहस करता हुआ भी आपको नजर भी आ रहा होगा। किस तरह से देखिए बहस कर रहा है, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुलाचिका में देर रात इस खिलाड़ी पर हमला होता है और फिलहाल घायल जो खिलाड़ी है उसे सरकारी अस्पताल से कैथल में रेफर कर दिया गया है। तो दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ, गुलाचिका में देर रात कबड्डी खिलाड़ी पर ये अटैक हुआ है। तो घायल खिलाड़ी को फिलहाल सरकारी अस्पताल से कैथल रेफर कर दिया गया है। हालांकि आरोप जो है वो दुष्यंत चौटाला के समर्थकों पर है कि दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक थे उन्होंने ही इस युवक पर, इस खिलाड़ी पर हमला किया है। नहीं कर सकता, आपके सुनवाई कबड्डी नाम बनाया, नहीं मारी है।